माजरत चाहते हैं क्योंकि मैंने बच्चों को टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं इसी तरह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहेगा अल्लाह पाक आपको अपने घरों में बाद रखे तो जी मेरे बहन भाइयों हमारी तो यही आप सबसे दुआ होती है कि है अल्लाह पाक जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको औलाद दे जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शफा दे जिनके पास अपना घर नहीं अल्लाह पाक उनको घर दे जो परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर करें इस वक्त देश परदेश में है मेरे बहन भाई अल्लाह पाक उनको हमेशा सलामत रखे हंसता मुस्कुराता रखे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे तो यही मेरी आप सबसे दुआ होती है तो आज सुबह सुबह की रूटीन शुरू करूंगी घर के काम के हवाले से नाश्ते के हवाले से तो आपसे जो भी मैं काम करूंगी आपसे शेयर करूंगी आप लोगों ने मेरे साथ रहना सवेरा को इस टाइम ना मिला नागा मैं आपसे हर रूटीन में हर वीडियो में शेयर करती हूँ इस टाइम सवेरा को जो है मैं शुगर का टीका लगाती हूँ सुबह सुबह के टाइम खुद ही जब इसकी तबीयत ख़राब होती है ना तो कहती मम्मा आप फटाफट मुझे ना टीका लगा दो मेरी तबीयत ख़राब हो रही है या अल्लाह माफ़ी या अल्लाह शाफ़ी अल्लाह पाक मेरी बेटी पे रहम कर जल्दी जल्दी से ठीक कर दे जी तो चाय मेरी अभी तैयार हो गई है क्योंकि हमारे यहाँ ना दूध जो है ना बिल्कुल पतला होता है वैसे भी हम लोग इतनी गुंजाइश के मुताबिक दूध रहते हैं तो हमारी चाय जो है ना नॉर्मल सी होती है तो बस अल्लाह पाक का फिर भी शुक्र है अल्लाह पाक का शुक्र है अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमें इस तरह की चाय भी नसीब होती है वो लोग भी हैं जो बेचारे चाय भी नहीं बना सकते और मजबूर होते हैं लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र जिस तरह की भी है चाय तो है ना तो अभी सवेरा इंसुलिन लेके आ गई तो मैं सवेरा को टीका लगाती हूँ तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना चाय कम्प्लीट हो गई है तो जी सुबह सुबह सारे माशाल्लाह छोटे बड़े कोई काम पे गए हुए हैं कोई बच्चे बाहर खेलने के लिए गए हैं और कुछ जो है ना काम के मतलब तैयारी कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं सभी मंजे खाली हो गए हैं सभी उठ गए हैं माशाल्लाह से और जो हमारी कैटो है ये तो अभी सुकून से चारपाई पे लेटी हुई है देखें आँखें बंद कर रही हैं आँखें बहुत शरारती है अभी कह रही मैं सो रही हूँ ठीक है बाबा अभी सो जाओ आप मैं आपको नहीं तंग करूँगी और साथ ही मैंने चूल्हे पे चाय चढ़ाई हुई है तो अभी आग भी और साथ साथ धुआं भी है क्या करूं गैस तो है नहीं बाकी फ़िलहाल अल्लाह पाक का शुक्र है इतने में है जो भी है अल्लाह पाक का शुक्र है और पाकिस्तान का झंडा भी लहराता हुआ कितना माशाल्लाह प्यारा लगता है कौवे चिड़ियां सब अपने नाश्ते को जा रही हैं आप देख सकते हो सभी जा रही हैं और कुछ बेचारी बैठी हुई हैं आस पे के कहीं से हमें कुछ मिले और अपने बच्चों को हम लोग नाश्ता करवाएं जी तो सवेरा भी उठ गई है सवेरा भी उठी है सवेरा ने हाथ मिला सवेरा आप कहाँ जा रहे हो मम्मा दुकान पे टीका लेने जा रही हूँ दुकान से टीका लेने जा रही हैं अच्छा सवेरा जो है ना वो इधर ही हमारे यहाँ हाँ दुकान है पास ही तो फ्रिज है उनकी तो हम लोग वहाँ टीका इसका रख देते हैं क्योंकि ख़राब ना हो हमारे यहाँ फ्रिज नहीं है ना तो दुकान से टीका लेने जा रही है कल जो है ना हमारी नीम मैंने अच्छे तरीके से ना इसको बांध दिया था तो आप देखो माशाल्लाह शाखें बिल्कुल जिसकी शाखें ना ऊपर जा रही हैं लंबी लंबी माशाल्लाह बहुत ही मुझे प्यारी है जान से भी प्यारी है जी आटा मैंने गूंद लिया है अभी बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊंगी वो भी आपसे शेयर करती हूँ जी फटाफट से रोटी बना लेती हूँ क्योंकि वो बाहर काम पे गए हुए हैं फिर उनको भूख लगेगी तो साथ ही बच्चों ने भी अभी नाश्ता करना है तो अभी मैं रोटी बनाना शुरू हो गई हूँ बिस्मिल्लाह जब मेरी रोटी बन जाएगी वो भी आपसे शेयर करूँगी जी तो मैंने रोटी बना ली है और अभी मैंने दूसरे तो बच्चे रह गए क्योंकि अभी वो काम पर है तो मैंने सवेरा को भी दी है देखने सवेरा भी रोटी खा रही है और गुलफाम भी रोटी खा रहा है ये देखिए मैंने दही मंगवाई है और दही की मैंने चटनी बनाई है वो चटनी के साथ बच्चों को मैंने रोटी दी है तो जी हम लाइफ पे जाते हैं मेरी प्यारी सी ऐसी सिस्टर्स हैं जो कि
उनकी लाइब्रेरी में जाते हैं तो, लेकिन वो प्लेस देना था, बच्चों का खाना बनाना था, फिर आपको पता है जो भट्ठे का काम है, ईंटों का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैंने मजदूरी भी करनी होती साथ साथ, और प्लीज जितना हमसे टाइम हो सके हम आपको टाइम भी देते हैं, तो प्लीज़ हम इंग्लिश नहीं आती तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमें उर्दू में मैसेज कर लिया करें, कमेंट उर्दू में कर लिया करें प्लीज़, आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो आप लोगों ने मेरे इस टाइम को सीरियस नहीं लेना, क्योंकि मेरा टाइम भट्ठे का काम भी है और मजदूरी जो बहुत ही सख्त और मेहनत वाला काम है, और ऊपर से गर्मी, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने घर को भी टाइम देना और बाहर भी काम करना, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोगों ने माइंड नहीं करना तो उर्दू में कमेंट करना प्लीज़ जी। माशाल्लाह बच्चों ने खाना खा लिया है और अभी तक तो इमरान आए नहीं काम से, तो मैंने कहा चलें वो आते हैं फिर उनको नाश्ता देती हूँ, तो घर का जो काम था मैंने वो भी ख़त्म कर लिया है, अभी बच्चे आराम कर रहे हैं, मैंने कहा चलें यार आप आराम कर लें तो मैं जो ना ब्लॉग ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जानी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ प्यारा जो अपने नाम का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो आगे शेयर कर दीजिएगा, जो हमारे चैनल पर इस वक्त न्यू है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।